नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। देश में पिछले कई दिनों से बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी है और उत्तराखंड में मौसम का कुछ पता नहीं कि कब धूप निकल जाए और कब बारिश हो जाए। हालांकि एक हफ्ते पहले ही बारिश के रुक रुक के होने से ठंड बढ़ गई और लोगों ने स्वेटर और रजाई ओढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन जब उसके दो दिन बाद धूप निकली तो लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। आपको बता दें, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, जबकि बाकी दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 9 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बात करें 7 मई की, तो 7 मई को कहीं कहीं आकाशीय बिजली की चमक, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक केदार घाटी में मौसम खराब रहने की आशंका है। ऐसे में केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन 8 मई तक निलंबित कर दिया है। फिलहाल मौसम के अपडेट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।